ওইটা ওই সারি গুড মর্নিং লিখ কে বতা দো স্যার ওই সারি নেই। गुड मॉर्निंग बेटा वही सारी ना। गुड मॉर्निंग क्लियर है सब कुछ? लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। क्लियर आ रही है ना वॉइस? क्लियर है? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था भाई लास्ट टाइम, और मैंने आपको कहा था कि आप बुकलेट सॉल्व करते रहे और मेरे को डाउट पूछे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इस मैटर एंड इट्स प्योर। और जिसको भी जो भी डाउट हो बुकलेट के हो एनसीईआरटी को, एक तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, दूसरा अगली क्लास में एक दो क्लासेस के बाद हम उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कुछ टाइम मिल जाए उसको सॉल्व करने का बुकलेट को। तो नेक्स्ट क्लास में उसको फिर हम देखेंगे, ठीक है? फिलहाल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इस मैटर अराउंड द स्पियर। क्लियर है? स्टार्ट करें फिर आगे सारे स्टूडेंट। नहीं, फेयर में नहीं करने, फेयर में सिर्फ नोट्स बनाने हैं जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ वो फेयर में करने हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं बुकलेट के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो आप रफ में कर सकते हैं, ठीक है? बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो रफ में करो, आपको फेयर में करने की जरूरत नहीं है उसको। पूरे नोट्स नहीं मिले हैं क्या? प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के लैटेंट हीट तक मैंने दे दिए थे, इवेपोरेशन और उसके बचे होंगे फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट के, वो मैं आज सेंड कर दूंगा, फिर वो मैं आज भेज दूंगा आप तक। फिलहाल ऐसी कुछ सिचुएशन है कि इज मैटर अंडर प्योर अपने पास सेकंड चैप्टर है, ठीक है? और ये सेकंड चैप्टर के अंदर अपने को क्या पढ़ना है,
इज मैटर अराउंड अस प्योर, जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अपने आसपास जो भी मैटर, सबसे पहली बात तो जो मैटर था वो हम क्लियर कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, कि मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और फिर मैटर पार्टिकुलेट नेचर का होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के उसके बाद स्टेट्स बनती है, वो सब पहले चैप्टर में हो चुका है। सेकेंड चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा कि जो भी मैटर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है क्या वो प्योर है या इम्प्योर है, उसमें प्यूरिटी है या वो इम्प्योर है, उसका क्या मीनिंग होता है प्योर और इम्प्योर का, और कितने टाइप से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, और अगर वो इम्प्योर है तो उसको प्यूरिफाई करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब मैटर तो खैर हम पढ़ ही चुके हैं पहले चैप्टर में, बट मैटर की क्लासिफिकेशन हमने नहीं पढ़ी है। मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, फिजिकल बेसिस पर हम क्लासिफाई कर चुके हैं, है ना, फिजिकल बेसिस पर। जैसे आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सब मैटर हैं, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आप महसूस कर रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन के साथ, जो भी आप देख रहे हैं, ट्रिपल पॉइंट वगैरह बेटा एक्स्ट्रा टॉपिक है, एक्स्ट्रा टॉपिक, उनको उनको जब बुकलेट डिस्कस करेंगे तब करवाएंगे। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट और ये जो भी टॉपिक है, जो बुकलेट में अगर इनका कोई क्वेश्चन होगा तो इनको लास्ट में करवाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर का कोई पार्ट नहीं है, जब बुकलेट डिस्कस करेंगे उसके अंदर एक दो क्वेश्चन कुछ इसके आएंगे तो हम उसको साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे, है ना, ट्रिपल पॉइंट वगैरह वो। उसके बाद ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली है ना, बहुत रेयरली चांस है कि एमटीएससी में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस मैटर एंड स्पियर में जो हम पढ़ रहे थे कि मैटर को अगर जो भी आपके आसपास जो भी मैटर दिखाई दे रहा है आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि मेरे आसपास जो भी बेंचेस हैं, जो भी फैन है, जो भी स्क्रीन है, ये सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में है तो फिजिकली मुझे सॉलिड स्टेट में महसूस हो रहे हैं, जैसे मार्कर ये सॉलिड स्टेट में लग रहा है। जो भी अपने आसपास जो भी एयर है वो गैसेस स्टेट में है, फिजिकली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो भी मेरे आसपास जो लिक्विड है, जो वाटर है, लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पर, तो वो उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्राइटेरिया हम उसको डिवाइड कर सकते हैं सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, है ना, वो भी एक फॉर्म ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस में। बट अगर अपने को केमिकल तरीके से उसको डिवाइड करना पड़े, कि केमिकली हम सोचेंगे यार कैसे उसको हम डिवाइड करें, तो क्या हम केमिकली उसको देख करके डिवाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन से पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो केमिकली हम देख करके डिवाइड नहीं कर सकते, बट फिजिकली हम उसको देख करके, सेंस करके उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो क्यों ना हम मैटर की दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे बनाए। ठीक है, मैटर की हम फिलहाल दो क्लासिफिकेशंस बना सकते हैं ना, बना सकते हैं मैटर की दो क्लासिफिकेशंस, मैटर की दो क्लासिफिकेशंस बना सकते हैं, और इनमें जो भी अपने पास मैटर है वो दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन उसका कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि देख करके, सेंस करके उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और एक मैटर का क्लासिफिकेशन हो सकता है केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, कि केमिकली हम उसको क्लासिफाई करें हालांकि वो अपने को दिखाई नहीं देगा, है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो वो केमिकल क्लासिफिकेशन अपने को नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब मैटर दो तरह से डिवाइड है, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या कर सकते हैं उसको, ठीक है क्लियर, हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे ये बोर्ड है, ये स्क्रीन है, ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो मैं सेंस कर करके इसको बता सकता हूँ सेंस ऑर्गन से कि ये सॉलिड है। फिर कुछ लिक्विड स्टेट में चीजें रहती हैं, कुछ गैसेस स्टेट में रहती हैं, तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन हम देख करके नहीं बता सकते, कैसे,
मेरे पास एक वाटर है, वाटर बॉटल में मैंने वाटर भरा हुआ है। अब ये वाटर में देख करके ये तो बता सकता हूँ कि द वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, यहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, बट मैं उसको देख करके ये नहीं बता सकता कि ये प्योर है कि इम्प्योर है। समझ में आ गया आपको पॉइंट? जैसे ये वाटर है, ये वाटर बॉटल है अपने पास, इसके अंदर जो वाटर है मैं इसको देख करके बता सकता हूँ कि ये फिलहाल अभी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना, बेस्ड ऑन सेंस ऑर्गन्स। दूसरा, मैं ये नहीं बता सकता कि अब ये प्योर है कि इम्प्योर है, देख करके वो नहीं बता सकता, मुझे कोई टेस्ट करने पड़ेंगे। और कैसा टेस्ट करना पड़ेगा? अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसके अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये प्योर वाटर है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम आता है या 100 से ज्यादा आता है, तो इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज है, ठीक है, वो भी एक तरीका हो सकता है। तो अब हम केमिकली इसको कैसे डिफाइन करें कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में डिफाइन कर सकते हैं, बोलो है कि नहीं? मैं इसको प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस में डिवाइड कर सकता हूं, बताओ कर सकता हूं कि नहीं? केमिकल क्लासिफिकेशन को प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस में डिवाइड किया जा सकता है, है ना। अब इस तरीके से कुछ हमने किया, प्योर एंड इम्प्योर में हमने उसको डिवाइड किया। अब इसमें आ जाएगा प्योर और इम्प्योर, इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कह सकते हैं, इम्प्योर को हम और क्या कह सकते हैं, मिक्सचर भी कह सकते हैं। अब देखो, प्योर सब्सटेंस जो भी एग्जिस्ट करते हैं वो हाँ इवेपोरेशन के लिए मैं जो नोट्स भेजूंगा ना उसके लिए आप स्पेस छोड़ दें, ठीक है। और वैसे भी ये चीजें आप डायरेक्टली आप फेयर कॉपी में नोट कर रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नोट्स तो मैं बाद में भेजता हूँ आपके पास, है ना, नोट्स में बाद में भेजता हूँ। ये तो मैं ये भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली फेयर में लिख सकते हैं कि जो भी क्लास में हुआ है की पॉइंट। कभी कभी क्लास में ऐसा पॉइंट हो जाता है जो नोट्स के अंदर नहीं होता, तो वो भी हो सकता है ना। प्योर एंड इम्प्योर, अब देखो प्योर सब्सटेंस अपने तीन टाइप के हो सकते हैं, ठीक है भाई। प्योर सब्सटेंस अपने तीन टाइप के हम डिवाइड कर सकते हैं उनको, कैसे कि तीन तो नहीं, हम उनको दो टाइप में फिलहाल डिवाइड कर सकते हैं। दो कौन कौन से टाइप हो जाएंगे? एक अपना एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, ठीक है भाई। ये दो टाइप में हमने डिवाइड कर दिया, किसको? प्योर सब्सटेंसेस को, या तो एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे। इन सबको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बीच में जो भी डिफरेंस है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है वो, या मिक्सचर जो होता है वो हमको दो कैटेगरी में दिखाई देता है। किस तरीके से दो कैटेगरी में दिखाई देगा? या तो पहले हम इसको भी डिवाइड कर दें, अगर कि ये जो अपने पास एलिमेंट है, ये एलिमेंट भी अपने पास तीन टाइप में डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है भाई। ये तीन दो, ये एलिमेंट भी अपने पास तीन टाइप में डिवाइड हो सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। इम्प्योर सब्सटेंसेस की हम बात कर रहे थे ना, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है कि जैसे ये वाटर का एग्जांपल हम ले लें यहाँ पे, चलो ये तो ठीक है। अब अपने को पता लग गया कि भाई किसी तरीके से हमने टेस्ट किया और अपने को पता लगा कि इसमें जो पानी भरा हुआ है वो इम्प्योर है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है। तो अभी हमें ये, हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से? कि जैसे ये अभी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये आपको प्योर इस तरीके से दिखाई देगा कि यार इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है भी, पर दिखाई नहीं दे रही है। सपोज इसके अंदर NaCl मिक्स्ड है। अब NaCl को भी हम इस चैप्टर में या केमिस्ट्री में इम्प्योर मानते हैं अगर वो किसी और के साथ मिला हुआ, जैसे वाटर के साथ अगर NaCl मिला हुआ है तो वो वाटर इम्प्योर है, ठीक है। प्योर किसको कहेंगे? जो अपनी बिल्कुल नेचुरल स्टेट में होगा, कि वाटर है तो सिर्फ वाटर ही उसके अंदर होना चाहिए, ठीक।
तो ये जैसे हम देखने पे अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्योर हो सकता है ना, इसमें कोई खास इम्प्योरिटी नजर नहीं आ रही है। इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जिनमें देखने पर आपको लगेगा कि यार ये प्योर है, जैसे दूध वाले ने दूध में पानी मिला दिया, इम्प्योर हो गया। दूध में पानी मिला करके वो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। अब वो आपके घर में उसको देने के लिए आया, आपने देखा कि यार दूध तो ठीक ठाक लग रहा है ना, ऐसे आप देख करके बता भी नहीं पाओगे, तो वो होमोजीनस मिक्सचर है। दैट इज होमोजीनस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, जैसे होमोसेपियंस होता है ना, होमो वर्ड का मतलब जहां भी आता है सेम आता है। अब आपने कहा कि यार ये तो सेम दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ खास इंप्योरिटी तो नजर नहीं आ रही है, तो जो इंप्योरिटी नजर ना आए उसको कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। अब इसी पानी में आपने थोड़ा सा रेत डाल दिया, सैंड डाल दिया, या थोड़ा सा कीचड़ डाल दिया। ऑब्वियसली जैसे कीचड़ डालोगे तो उसका कलर ही चेंज हो जाएगा, कुछ हार्ड पार्ट, जो कुछ भारी पार्टिकल्स होंगे नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। आपने सैंड डाला, वो सैंड नीचे सेडिमेंट हो गया, किसी को भी दिखाओ क्लियरली दिख जाएगा कि भाई ये तो वाटर क्या है, इम्प्योर है। उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब जिसमें आपको दो अलग अलग फेज दिखाई दे, कि वाटर भी दिखाई दे रहा है, सैंड भी दिखाई दे रहा है, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो क्या ये दो पॉइंट क्लियर हो गए? क्या ये दो पॉइंट क्लियर हो गए आपको कि अपने पास होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं? तो होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमो का मतलब होता है सेम, होमोजीनियस मिक्सचर्स होंगे और सेकंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। ठीक है, क्लियर? इसको और अगर हम आगे बढ़ाएं, जो कि हमें चैप्टर में जिसकी जरूरत पड़ेगी, तो होमोजीनस मिक्सचर अगेन हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सॉल्यूशन और एक होता है कोलोइड। और भाई इसमें आता है सस्पेंशन। तो क्या इतनी चीजें जो बताई गई हैं मैटर की क्लासिफिकेशन में, क्या वो आपको समझ में आ रही है? ये बता दे मुझे सबसे पहले, जो क्या आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ जो जो भी दिखाई दे रहा है, कुछ थोड़ा बहुत आपको अंदाजा मिला कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? नाइन्थ के मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पहले चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक है उसको बारे में पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर को फर्दर डिवाइड करेंगे, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल क्राइटेरिया। और इसमें अगर ये इम्प्योर कोई भी सब्सटेंस है तो उसको प्यूरिफाई कैसे किया जाए, उसके कुछ टेक्निक, उसके कुछ मेथड पढ़ेंगे। फिर थर्ड में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड में हम एटम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर के अंदर भी एटम होता है। और फोर्थ चैप्टर में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर भाई फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या ये ऑलरेडी डन है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है, सॉलिड लिक्विड और गैस सबको पता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन से हमें स्टार्ट करना है। केमिकल क्लासिफिकेशन में एक तो प्योर सब्सटेंस, फिर इम्प्योर सब्सटेंस। तो अभी जो हम पढ़ेंगे, पहले हम प्योर सब्सटेंस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, फिर एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड क्या होते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर हम इम्प्योर में जाएंगे, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, फिर सॉल्यूशन, कोलोइड, सस्पेंशन, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का 50% है ना? हम क्या करते हैं, चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये इस चैप्टर का 50% है। इसका 50% हम पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक्स, इवेपोरेशन कर लिया, फिल्ट्रेशन कर लिया, क्रिस्टलाइजेशन कर लिया, तो कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं। तो 50% वो है चैप्टर में और 50% ये पूरी क्लासिफिकेशन।
इतना डन हो गया, अब सबको पता लग गया हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये हो चुका है, ये कवर हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल क्लासिफिकेशन से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस से हम पहले पढ़ेंगे, प्योर में एलिमेंट कंपाउंड और ये वाली क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर है भाई अपने पास, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया, किस चीज में? अच्छा ठीक है। तो भाई हम एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? इसको नोट कर लें, और प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स, ठीक है? इसको नोट कर लें, बाकी एक बार अपने अपने जो भी आपके वेबकैम है, जो कैमरा है, उसको एक बार ऑन कर लें। बेटा जितने भी स्टूडेंट हैं, पहली बात तो आप लोग क्लास में जब भी बैठ रहे हैं तो शर्ट पहन के बैठें, टी शर्ट पहन के बैठें, ये बनियान ना बैठें, ठीक है? तो तरीके से बैठें, क्योंकि तो जब आपके टीचर यार सुबह 8 बजे जो तैयार होके आपको पढ़ाने आ रहे हैं, आपका भी कुछ फर्ज बनता है। अरुण बेटा अपना वेबकैम ऑन कर दो, अपना कैमरा ऑन कर दो, और जितने भी हैं थोड़ा लगना चाहिए कि आप क्लास में बैठे हैं, समझ गए? तो तरीके से बैठे, नहीं तो उसको क्लास में नहीं मैं बाहर निकाल दूंगा। तो टी शर्ट वगैरह पहन के बैठे, शर्ट पहन के बैठे, तरीके से, ठीक है? जितने भी हैं अपने कैमराज ऑन करो, कहीं कोई लेटा हुआ है, कहीं कोई खाना खा रहा होगा, तो ये काम ना करें। देखो कुछ ने तो आप जो है ये तरीके से बैठे बेटा। ऋषभ, अमीश, कुणाल, शशांक, वंश, साकेत,
कैमरा ऑन करो फटाफट। ऋषभ ऑन है कैमरा। ठीक है, कोई भी ऐसा मिल गया जो कि ऐसा बैठा हो तो उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे। पहले सुन लो, अपने तैयार होकर तरीके से 8 बजे जैसे आप फिजिकल क्लासरूम में आते थे वैसे ही आपने बैठना है। ठीक है, फेयर कॉपी लेके बैठे। ठीक है, ऑन करके रखो। देख रहा हूं मैं, यहाँ सारा यहाँ स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसको फेयर कॉपी में नोट कर सकते हो, जिसके बाद में नोट्स भेज दूंगा उसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी फेयर कॉपी में नोट करते रहो। बीच में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ भी करवाऊंगा तो वो आपको फेयर कॉपी में ही करना है। ठीक है, इतना क्लियर था कि हम लोग क्लासिफिकेशन के अंदर ये पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद हम प्योर सब्सटेंस में आ गए। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड इसको पढ़ने वाले। हेडिंग हमने डाल दी प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स। अब इसके अंदर प्योर सब्सटेंस हम किसको कहेंगे, यहां पर हम प्योर सब्सटेंस किसको कह रहे हैं जिसमें एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हैं, है ना। प्योर सब्सटेंस किसको कह रहे हैं जिसमें एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हैं। सिंगल टाइप मतलब अगर वाटर में NaCl मिक्स्ड है तो वो इम्प्योर है। देखो यहां पे समझा रहा हूं, बाकी डेफिनेशन वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगी। तो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स इसमें आएंगे प्योर सब्सटेंस में। सिंगल टाइप के पार्टिकल्स का मतलब होगा कि अपने पास जैसे वाटर अगर आ रहा है तो सिर्फ वाटर ही आए, उसके साथ बाकी कोई सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, तो वो प्योर की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर अपने पास NaCl सॉल्ट है तो वो NaCl ही आना चाहिए। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, अगर हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया जैसे कि H2O+ NaCl हम लोगों ने बना दिया तो ये इम्प्योर हो जाएगा, ये अब इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा बिकॉज इसमें एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स नहीं है। अब सिंगल टाइप के पार्टिकल्स का मतलब ये है कि वाटर में जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं H2O, वाटर में जैसे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो एटम्स आ रहे हैं H2O, वही होने चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, उसको कहते हैं सिंगल टाइप। सिंगल टाइप का मतलब ये नहीं होगा कि उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है या सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो हम उसको सिंगल टाइप कह रहे हैं। सिंगल टाइप किसको कह रहे हैं कि जिसमें जो प्योर फॉर्म में जैसे एग्जिस्ट कर रहा है H2O, तो उस सैंपल के अंदर पूरे H2O एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होने चाहिए।
इसके अलावा कोई नया एलिमेंट, कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो प्योर सब्सटेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे यहां पर कि जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हों उसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। एंड इन्हीं पार्टिकल्स के बेस पर हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस को, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम सिंगल टाइप की बात करें तो एलिमेंट कंपाउंड में हम डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट क्या होगा और कंपाउंड क्या होगा? अब हम बात कर रहे हैं सिंगल टाइप की। देखो कंपाउंड और एलिमेंट में मेन डिफरेंस क्या होगा कि जैसे एलिमेंट होंगे हाइड्रोजन, या एलिमेंट होगा ऑक्सीजन, या एलिमेंट होगा नाइट्रोजन। तो ये जो एलिमेंट है, अगर मैं एक आयरन की रॉड लेता हूं, आयरन भी एक एलिमेंट है Fe। अगर मैं आयरन की एक रॉड लेता हूं तो आयरन की उस रॉड में पूरे के पूरे एटम्स या पार्टिकल किस चीज के होंगे? आयरन के ही होंगे। तो उसको हम कहेंगे कि वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वो एलिमेंटल फॉर्म में है। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स है, बिल्कुल एक ही टाइप के होंगे। आयरन के अंदर सिर्फ आयरन रॉड के अंदर आयरन पार्टिकल्स ही होंगे। जबकि कंपाउंड के अंदर अपने पास जैसे H2O है, अब आप कहोगे कि इस कंपाउंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आ गए हैं, बट ये डिफरेंट टाइप के एटम्स आपके एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होने चाहिए। ये इनका एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। फिक्स रेशियो का मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में है। कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एक एटम है, तो बाय वॉल्यूम ये 2:1 में है, तो उसका एक फिक्स रेशियो है। तो जब भी वाटर आएगा, एक कंपाउंड आएगा, तो उसका फिक्स रेशियो होगा, उसको भी हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे कि हम प्योर सब्सटेंस किसको नहीं कह सकते हैं कि हमने हमने क्या किया, नींबू पानी बनाया, या शुगर हमने डाली किसमें, वाटर में। शुगर प्लस वाटर हम पढ़ रहे हैं, ये अपने पास एक सैंपल है शुगर प्लस वाटर का। जब भी मैं शुगर प्लस वाटर कहता हूं तो आपके दिमाग में मिक्सचर आ जाएगा, आपके दिमाग में ये फिक्स नहीं आएगा कि कितना क्वांटिटी हमने शुगर की, कितने क्वांटिटी वाटर में ऐड की है। जब अपने को ये पता ना हो तो इसको कहते हैं मिक्सचर। अगर मैंने कहा ग्लूकोज, तो आपके दिमाग में एक एग्जैक्ट एक फॉर्मूला आता है ग्लूकोज का, जो कि क्या हो जाएगा, C6H12O6। आपके दिमाग में ग्लूकोज का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला आ जाएगा C6H12O6। ये एक प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर अपने को एक तो फिक्स रेशियो पता है, और जो एटम्स है, जो एलिमेंट्स हैं, वो फिक्स रहते हैं। इसके अलावा इसमें कोई दूसरे एलिमेंट ऐड नहीं होंगे, तो उसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से टाइप में डिवाइड हुए? एक तो एलिमेंट में डिवाइड हुए, जो कि एलिमेंटल फॉर्म में है, और एक कंपाउंड फॉर्म में, कि अगर उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम भी है बट वो अगर फिक्स रेशियो में है, तो उसको कहेंगे कंपाउंड। जैसे कि सुक्रोज है C12H22O11। अब ये भी अपने पास एक फिक्स रेशियो में आएगा, तो ये भी एक कंपाउंड बनेगा, बट अगर हम वाटर और शुगर को ऐड कर दे तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, तो जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग एलिमेंट या जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, उसको भी हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। अब एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू लेवोशियर, लेवोशियर में जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हम कह रहे थे, अकॉर्डिंग टू लेवोशियर एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट एंड बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस है। ये भी कह सकते हैं ना कि एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट इज सिंपलेस्ट एंड प्योर सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट
प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब जो भी मैटर है उसकी अगर हम एक सिंपलेस्ट एंड बेसिक फॉर्म, दोनों का मतलब तो खैर एक ही है, सिंपलेस्ट एंड बेसिक, तो सिंपलेस्ट कहें या बेसिक फॉर्म कहें, इसी को हम एलिमेंट कहेंगे लवोशियर के अकॉर्डिंग, कि सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म जो भी एक प्योर सब्सटेंस की है, जैसे कि आयरन की रॉड अगर अपने पास है, हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसके अंदर पूरा आयरन है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, हम इसको कितने भी पार्ट्स में अगर ब्रेक डाउन कर दें, तो अपने को छोटे से छोटे पार्ट में अगर हम इसका एक एलिमेंट, एक एटम भी बाहर निकाल देते हैं, तो ये एटम भी किस चीज का होगा, आयरन का होगा। मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो बेसिक फॉर्म है, वो एलिमेंट है प्योर फॉर्म में। और अगर अपने पास ये पूरा एक शुगर का पार्टिकल है जिसका फॉर्मूला C12H22O11, फिलहाल अगर हम इसको तोड़ें तो इसमें भी अपने को छोटे से छोटे एटम में भी शुगर ही मिलेगा, उसका भी फॉर्मूला यही मिलेगा, उसका भी रेशियो फिक्स होगा, छोटे छोटे एटम का भी रेशियो फिक्स होने वाला है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, सबसे बेसिक फॉर्म है, एक तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम शुगर को डिवाइड करें तो चलो हम किसी भी मेथड से, चाहे केमिकल मेथड से, हम उनको कार्बन को अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, जैसे कि वाटर है। अब यार वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि हम बाई इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो ब्रेक डाउन करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, H2 गैस अलग हो सकती है, O2 गैस अलग हो सकती है। तो ये सिंपलेस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको भी डिवाइड किया जा सकता है बाई केमिकल मेथड। बट ये जो आपको दिखाई दे रहा है एलिमेंट, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड बेसिक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, हम ये कहते हैं। तो ये आपकी समझ में आया कि एक एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंस बन सकते हैं। ठीक है, इतना बताओ, ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गई, मतलब हमने किस तरीके से इसको किया। फिक्स रेशियो में कंपाउंड ही होता है, फिक्स रेशियो में कंपाउंड ही होगा, फिक्स रेशियो का कंपाउंड होता है, बिल्कुल। देखिए शुगर कोई एलिमेंट नहीं होगा, शुगर के अंदर जो कार्बन है वो एक एलिमेंट है, कंपाउंड वगैरह सबकी डेफिनेशन देंगे अभी, पहले तो एलिमेंट को मैं समझा दूं, उसके बाद कंपाउंड को भी समझाऊंगा, या तो पहले आपको कंपाउंड अगर मैं बता दूं, ठीक है। तो एलिमेंट की तो खैर हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि एलिमेंट में क्या हो रहा है, कि एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट एंड बेसिक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, उसको हम एलिमेंट कह रहे हैं। अब देखो अगर हम कंपाउंड की डेफिनेशन दें कि अगर हम यहां पर कंपाउंड की डेफिनेशन दें तो कंपाउंड इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जिसके अंदर क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इन विच
इन विच टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, इन विच टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, मतलब ये तो दो एटम होंगे, दो से ज्यादा ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे, बट कंडीशन क्या है कि दे आर प्रेजेंट इन, दे आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो। वो आएंगे भाई फिक्स रेशियो, दे आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो, जो भी आएगा वो फिक्स रेशियो के अंदर ही आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखें कि जो भी आ रहा है वो फिक्स रेशियो में आ रहा है। मतलब अपने पास क्या है, कंपाउंड एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की, जहां पर दो या उससे ज्यादा टाइप के एटम्स आ रहे हैं, बट जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है। जैसे कि ग्लूकोज का C6H12O6, अब ऑब्वियसली इसमें तीन टाइप के एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये एक कंपाउंड होगा क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ एटम दिखाई दे रहे हैं। बट इसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे क्योंकि इनका जो रेशियो है 1:2:1 वो फिक्स्ड है ना, वो रेशियो फिक्स्ड है। जैसे मैं कभी भी आपको कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड होगा या मिक्सचर होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड सुनते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला बनता है CO2, और CO2 अगर हम बाई वॉल्यूम देखिए तो 1:2 आ रहा है, तो जिसका रेशियो फिक्स बन जाता है उसको कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, कुछ भी जो आपको जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो जिसका एक फिक्स रेशियो बनेगा उसको हम कंपाउंड कहेंगे। तो बेसिक जो डिफरेंस है बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड वो क्या बन जाएगा कि एलिमेंट में सिंगल टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे, जबकि इसमें मल्टीपल टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे कंपाउंड में, बट ये एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे, उसको हम कंपाउंड कह रहे हैं। ठीक है, तो ये है कुछ डेफिनेशन। अभी हम लोग एलिमेंट को ही डिटेल में पढ़ेंगे, एलिमेंट को ही डिटेल में पढ़ेंगे, कंपाउंड को बाद में देखेंगे। वाटर प्लस शुगर क्या होगा, वो एक कंपाउंड होगा। अच्छा, वाटर एंड शुगर अगर इंडिविजुअली देखा जाए, इंडिविजुअली देखा जाए तो ये अपने पास वाटर आया, ये अपने पास शुगर आया। अगर हम इंडिविजुअली इनको देखें तो ये वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, और शुगर क्या है, एक कंपाउंड है इंडिविजुअली। बट अगर हम इन दोनों को मिला दें तो मिला करके ये क्या बना देंगे, एक मिक्सचर बना देंगे, क्योंकि मिक्सचर्स का कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है, मिक्सचर का कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। अगर मैं कहता हूं वाटर प्लस शुगर तो आपके दिमाग में कोई फिक्स प्रोपोर्शन थोड़ा ना आएगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 10 ग्राम शुगर हम 100 ग्राम या 100 ml वाटर में ऐड कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं बताया गया। तो इसीलिए मिक्सचर बनाते, जब भी इनकी क्वांटिटी, क्योंकि इनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है, और दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड अगर आपने ऐड कर दिए, मिक्स कर दिए, तो उसको मिक्सचर कहते हैं। ये बताइए, मिक्सचर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, कंपाउंड की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ, मिक्सचर के अंदर आप ये लगा लो, सिंपल सिंपल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस आप ये लगा लो कि भाई अगर दो अलग अलग कंपाउंड को मिक्स कर दिया तो उसका उसका मिक्सचर ही बनेगा, सिंपल। अब कंपाउंड तो आपको क्लियर है ही, कंपाउंड तो आप पहचान जाओगे ना, तो अगर दो अलग अलग कंपाउंड को मिक्स कर दिया है तो केमिस्ट्री में वो मिक्सचर है, बस, है ना। मिक्सचर का मतलब वो इम्प्योर है। अगर हम वाटर में, जैसे आप वाटर में शुगर डाल रहे हैं तो कोई नहीं कहेगा कि ये इसमें कुछ इम्प्योरिटी है ना, क्यों, क्योंकि हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। इम्प्योर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस को आपने मिक्स कर दिया। जब दो अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं तो उसको मिक्सचर ही कहेंगे, है ना। अब इनकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं,
ठीक है, और कंपाउंड की कुछ इंडिविजुअली अलग प्रॉपर्टीज होंगी। अब रेशियो इसमें फिक्स नहीं रहेगा यार, वाटर का रेशियो तो फिक्स है ना 2:1, और शुगर का रेशियो फिक्स है, बट अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इन दोनों को मिलाने के बाद क्या रेशियो बनेगा या किस रेशियो में आप मिला रहे हैं वो फिक्स नहीं है। हाँ होमोजीनस बनेगा, बिल्कुल होमोजीनस बनेगा, क्योंकि आप जब इन दोनों को मिलाओगे तो ये आप फाइनल सॉल्यूशन को देख करके ये नहीं बता सकते कि ये प्योर है कि इम्प्योर है, मतलब फिजिकली देखने पर आपको लगेगा कि वो प्योर है, इसीलिए इसको होमोजीनस कहते हैं। तो सिंपल मिक्सचर कैसे बनेगा, मैंने आपको लिख के बताया हुआ है कि मिक्सचर कब बनेगा, जब दो प्योर सब्सटेंसेस को, जब दो कंपाउंड्स को आपस में मिला देते हैं तो उससे मिक्सचर बन जाता है, या फिर अपने पास हाइड्रोजन था, एक प्योर सब्सटेंस, एक एलिमेंटल फॉर्म में है हाइड्रोजन, और हमने उसके साथ ऑक्सीजन एलिमेंट को मिला दिया। अब नो डाउट हमने किसी भी रेशियो में मिलाया है ना, या तो आप इस एग्जाम्पल को ऐसे ले लो कि हमने कार्बन में ऑक्सीजन मिलाया, अब हम किसी भी रेशियो में मिलाए, उसको CO2 बनाए, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, वो होगा क्या मिक्सचर। क्यों मिक्सचर होगा, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप दो प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो मिक्सचर ही बनेगा, चाहे वो प्योर सब्सटेंस एलिमेंटल फॉर्म में हो, चाहे वो प्योर सब्सटेंस कंपाउंड फॉर्म में हो, दोनों को मिला के मिलेगा मिक्सचर। ठीक है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन को मिला दिया तो मिक्सचर ही बनेगा उससे, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन को मिला दिया तो क्या मिलेगा, मिक्सचर ही मिलेगा। ठीक है, अगर उसका रेशियो क्या है फिक्स नहीं है, ऑब्वियसली वो कंपाउंड भी बना सकता है, अगर उसका रेशियो फिक्स हो, जैसे कि ये है C3O, अब ये कोई कंपाउंड है, अपने को पता है कि इस स्टेट में, इस रेशियो में कोई कंपाउंड नहीं बनता, C3O कोई कंपाउंड होता ही नहीं, तो C3O कोई कंपाउंड नहीं होता तो ये मिक्सचर बनेगा, बट अपने को पता है कि यार अगर मैं इसको CO2 कर दूं, अगर मैं इसको CO2 बना दूं, तो CO2 में मुझे पता है कि ये एक प्योर सब्सटेंस बनने वाला है। क्यों प्योर सब्सटेंस बनने वाला है, क्योंकि इसका जो रेशियो है दैट इज फिक्स है, ये कंपाउंड है, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, C3O कोई कंपाउंड नहीं होता है। अगर मैं इसको मिला करके CO बना दूं तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि ये भी प्योर है, क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड होता है। इस तरीके से बिल्कुल ये सिंपल सिंपल इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, बुक्स वगैरह में या जो भी नोट्स हैं उसमें आपको क्लियर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, उन डेफिनेशन की हेल्प से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन प्योर है कौन इम्प्योर है। यहाँ पर जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी मैंने आपको बता दी कि दो कंपाउंड को मिला करके मिक्सचर बना दिया, दो एलिमेंट को मिला दिया वो भी मिक्सचर बनेगा जब उसका रेशियो फिक्स नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर फिक्स रेशियो है तो वो कंपाउंड है, और कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर होते हैं। ठीक है, शुगर सिरप जो भी है ना, जिस जिसके अंदर भी दो चीजें मिल रही हैं, शुगर सिरप कैसे बनेगा, शुगर प्लस वाटर, उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता, बहुत ज्यादा थिक बना दो, विस्कोसिटी बढ़ा दो उसकी, वो भी इम्प्योर है। शुगर प्लस आपने वाटर का, यही तो एग्जाम्पल है। अब ये आपने सिरप बना दिया, ये सिरप आपने बनाया, आप इसको सिरप कह रहे हो कि वाटर प्लस शुगर को मैंने बहुत ज्यादा थिक बना दिया और सिरप बन गया, ये भी तो मिक्सचर बनेगा, ये भी मिक्सचर बनेगा। तो फिलहाल तो हम एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, अब इसके बाद हमने थोड़ा बहुत मिक्सचर को भी ऐड कर लिया समझने के लिए। अब होमोजीनस और हेटरोजीनस मिक्सचर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में, या जब उसका सेपरेट लेक्चर होगा तब उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, है ना, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, तो वो नहीं करना है। फिलहाल अभी हम एलिमेंट और कंपाउंड ही देख रहे हैं कि एलिमेंट कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, कैसे उसको समझ सकते हैं। अब देखो एलिमेंट आपकी समझ में आया कि यार ये
एलिमेंट अगर पूछा जाए तो एलिमेंट एक प्योर और एक बेसिक फॉर्म है, एक एलिमेंटल फॉर्म है, एक बेसिक फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी प्योर सब्सटेंस की। मींस उसको ब्रेक डाउन करके कुछ नहीं मिलेगा, उसको ब्रेक डाउन करके सिर्फ वही एलिमेंट मिलने वाला है। अब एलिमेंट्स को अगर देखा जाए भाई, तो एलिमेंट्स को अगर हम क्लासिफाई करें, एलिमेंट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो क्लासिफिकेशन इनके बन सकते हैं, दो क्लासिफिकेशन इनके बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट की बेस पर, एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये देखो, फिजिकल स्टेट और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल क्लासिफाई करेंगे। फिजिकल स्टेट के बेस पर हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, देखो फिजिकल स्टेट के बेस पर अपने को पता है कि या ये तो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, या तो ये लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, या तो कोई एलिमेंट गैस में एग्जिस्ट करेगा। अभी तीनों के एग्जांपल दे देता हूं। और प्रॉपर्टीज के बेस पर या तो ये मेटल होगा, या तो ये नॉन मेटल होगा, या तो ये मेटलॉइड होगा। ये चीज रही। अब इसमें ये देखो कि यार अगर एलिमेंट फिजिकल स्टेट में सॉलिड लिक्विड या गैस बना रहा है और फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल नॉन मेटल या मेटलॉइड हो रहा है, तो सॉलिड स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? ढेर सारे मैक्सिमम एलिमेंट आपके सॉलिड स्टेट में, लाइक आयरन है, कॉपर है, कार्बन है। लिक्विड स्टेट में अपने को पता है कि यार एक मेटल होता है मरकरी HG और एक नॉन मेटल होता है ब्रोमीन, यही दोनों लिक्विड में मिलते हैं। और गैसेस स्टेट में भी बहुत है, लाइक हाइड्रोजन आ जाएगा, लाइक ऑक्सीजन आ जाएगा इसमें, लाइक नाइट्रोजन आ जाएगा, ये गैसेस स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सॉलिड्स लिक्विड और गैस में डिवाइड कर देते हैं एलिमेंट्स को, किसके बेस पर? उनकी फिजिकल स्टेट के बेस पर और प्रॉपर्टीज के बेस पर जो कि हमको दिखाई नहीं देती है ना। अब जैसे ये एक एलिमेंट है, ये अपने को दिखाई दे रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में है तो मैं कह सकता हूँ यार ये फिजिकल बेसिस पर मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। बट केमिकल या प्रॉपर्टीज के बेस पर, अब मुझे इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, मुझको नहीं पता। जब तक मैं टेस्ट नहीं करूंगा मुझे नहीं पता लगेगा कि ये जो एलिमेंट है ये कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उसको हम रखते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, जो कि हम देख करके नहीं बता सकते, बट स्टेट को हम देख करके बता सकते हैं। फिलहाल हम ये तो पढ़ चुके हैं कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये तो कवर है। अपने को ये पढ़ना है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये तीनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इतनी चीज क्लियर है, यहां तक हम पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी कि इसमें क्या हो रहा है। अब इससे आगे जो भी है हम उसको पढ़ेंगे कि मेटलॉइड क्या है, मेटल की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ऑलरेडी आपने 8th क्लास में भी पढ़ाई होगा कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। C3O कोई फॉर्मूला नहीं है। अब C3O कोई फॉर्मूला नहीं है, ऑब्वियसली वो मिक्सचर हो गया। मिक्सचर कब बनते हैं? जब आप किन्हीं भी दो चीजों को मिलाओ और उनका कोई फिक्स रेशियो ही ना हो, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो, वही तो मिक्सचर है। जैसे कि आप शुगर प्लस वाटर मिला रहे हैं, अब क्या किसी साइंटिस्ट ने, या आप सिंपल एक एग्जांपल आपको लास्ट में एक और दे देता हूं, ठीक है?
आपको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं कि आप क्या बना रहे हैं, लीमोनेड बना रहे हैं, लीमोनेड नींबू पानी बना रहे हैं। आप नींबू पानी अगर आप बना रहे हैं, आप लीमोनेड बना रहे हैं, तो आपने क्या किया कि वाटर के अंदर आपने लेमन जूस मिलाया। क्या कहीं पर किसी बुक में फिक्स लिखा हुआ है कि भाई इतने ml वाटर में इतना ml लेमन जूस मिलाना चाहिए ताकि लिमोनेड बनता है, ये बता दो। क्या कहीं पर ये चीज फिक्स लिखी हुई है, कहीं पर इंटरनेट पर ये चीज फिक्स लिखी हुई है कि आप इतने ग्राम या इतने ml वाटर में इतना ml लेमन जूस मिलाओ तो उससे एक लिमोनेड बनेगा? नहीं, कहीं पर नहीं लिखा हुआ। इसको हम अपने अनुसार मिला सकते हैं, ठीक है? वाटर कितना भी मिलाओ, लेमन जो कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे अगर हम सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन टर्म्स में बात करें, तो इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, नॉट अ फिक्स रेशियो, कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है। अगर फिक्स रेशियो नहीं है तो अल्टीमेटली अपने को मिलने वाला एक मिक्सचर ही है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं 10 लोगों को मिलाने के लिए कहूं तो 10 के 10 लोग इसको अलग अलग क्वांटिटी में मिलाएंगे, बट फिर भी वो एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक? दूसरी चीज इसके अंदर दूसरा एक एग्जांपल आप समझें कि अगर मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी दो प्योर सब्सटेंस, लेमन जूस एक प्योर सब्सटेंस है अपने आप में, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों अलग अलग प्योर एलिमेंट है। अब इन दोनों को मिलाया गया तो मैंने कहा वाटर बनाओ, तो सबको पता है कि वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 लेना पड़ेगा, तभी H2O बनेगा। तो क्या इसका एक फिक्स फिक्स रेशियो है? क्या इसका एक फिक्स रेशियो है? अगर इसका एक फिक्स रेशियो है मतलब ये कंपाउंड है। अगर इसका एक फिक्स रेशियो निकल के आ रहा है मतलब ये कंपाउंड बनेगा। तो ये दो एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो कि यार क्या हो रहा है इसके अंदर, आखिर कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं मिक्सचर्स में, कंपाउंड्स में। मेरे ख्याल से डेफिनेशन तो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, बट जितनी भी समझाने वाली चीजें थी एक डेली लाइफ में कि भाई मिक्सचर कंपाउंड, ताकि आप किसी को सामने बैठ के समझा पाओ, ठीक है? उस लेवल का मैं चाहता हूँ आपको आ जाए कि आप, आपसे कोई पूछे तो आप उसको समझा पाओ कि हाँ चीजें ऐसे हैं डेली लाइफ में। ठीक है, बाकी देखो नेक्स्ट क्लास में, अभी 2-3 दिन ले लो, पहले चैप्टर की बुकलेट कंप्लीट कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो, फिर उसको देखेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है? बाकी टाइम भी हो ही चुका है, इसके नोट्स मिल जाएंगे, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है वो भी मिल जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि नोट्स में वो चीजें नहीं मिलती हैं जो आपको बुक में मिले, है ना? नोट जो मैं बोर्ड पे बताता हूँ वो चीजें आपको कई बार नहीं मिलती। ठीक है भाई, तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम।